धन्यवाद। और नाम, रोल नंबर, स्कूल का नाम, अलीगढ़ मनीष सिसोदिया जी को जेल से छोड़ दिया अपना बेटा, उनको बिना आरोप के ना जेल में डाल दिया गया। एजुकेशन मिनिस्टर थे, है ना, झूठा इल्जाम लगा के कि वो शराब घोटाले में है, जबकि कुछ भी साबित नहीं हुआ है। पूछ लेना ठीक है, अपना नाम, क्लास, रोल नंबर। आजा आजा बेटा। सोशल मीडिया पर इन दिनों मनीष चाचा की चर्चा हो रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जब से जेल गए हैं, तब से राजधानी दिल्ली में एक अलग ही किस्म की नौटंकी चल रही है। दिल्ली में एक तरफ विपक्ष है जो आम आदमी पार्टी को घेर रहा है, भ्रष्टाचार पर सवाल पूछ रहा है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी शिक्षा मंत्री का नारा बुलंद किए हुए है। हैरत इस बात की भी है कि मनीष सिसोदिया के पास 18 विभाग थे, अकेले ऐसे मंत्री दिल्ली सरकार के जिनके पास 18 विभाग थे, जिसमें PWD, वाटर और शिक्षा जो अहम था, और इसके अलावा वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी थे, लेकिन ये सब चीजें भुलाकर जोर दिया जा रहा है शिक्षा मंत्री के तौर पर। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने कई वीडियोस जारी किए और कुछ पत्र दिखाए, जिन पत्रों में ये लिखा हुआ नजर आ रहा है कि बच्चे मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद बहुत दुखी हैं। आम आदमी पार्टी की जानी मानी नेता आतिशी ने कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, पूरी दिल्ली में उमड़ रहा है बच्चों का अपने मनीष चाचा के लिए प्यार। एक तस्वीर देखिए, हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी बेकसूर हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, इसमें लिखा है, मनीष सिसोदिया आप बहुत अच्छे हो, आप एक बहुत अच्छे टीचर हो, आप कहाँ हो, आई मिस यू। तीसरी तस्वीर देखिए, इसमें लिखा है, हमारे प्रिय मनीष चाचा, हमें आप पर गर्व है कि आपने हमारे स्कूल को इतना सुंदर बना दिया है, हम आपसे मिलना चाहते हैं। एक और तस्वीर है जो दरअसल एक लेटर है और ऐसा लग रहा है किसी एडिटोरियल चैनल के हेड ने लिखी है। इसमें लिखा है, आदरणीय मनीष जी, आप हमारे शिक्षा मंत्री सारी दिल्ली के बच्चों और लोगों के दिलों पर छाए हुए हैं, यहाँ तक कि दिल्ली से बाहर के लोग भी आपके जैसे ही शिक्षा मंत्री चाहते हैं। हम बच्चे आज भी आपको निर्दोष ही मानते हैं और चाहते हैं कि आप वापिस आ जाएं। आज आपको जिन झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है उनकी आप चिंता ना करें, आप जल्दी ही बाहर आ जाएंगे और पूरी दिल्ली और भगवान आपके साथ है। आपने जो शिक्षा के लिए कार्य किया है वो आज तक दिल्ली में या दिल्ली से बाहर कहीं नहीं हुआ। आपसे हमें प्रेरणा मिलती है कि एक ऐसे व्यक्ति बनो जो खुद के साथ साथ दूसरों को भी अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाए। हर गरीब को शिक्षा का अधिकार है। वाले ये जो लेटर है जो दावा किया जा रहा है एक बच्चे ने लिखा है, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है कि कोई बच्चा इतना लिख सके और इतनी राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल कर सके। वाले तस्वीरें सामने आई तो विपक्ष ने भी कुछ तस्वीरें चस्पा कर दी और सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल होने लगी। पहली तस्वीर देखिए, मैं जानता हूँ कि ना तो मनीष मेरे चाचा हैं और ना वो बेकसूर हैं, मनीष ने चोरी की है। दूसरी तस्वीर देखिए, मनीष अंकल आप चोर हो, पुलिस ने अच्छा किया आपको जेल में डालकर। तीसरी तस्वीर देखिए, मनीष अंकल आप तो स्कूल ठीक करने आए थे, ठेके ठीक कर दिए, आप जेल से बाहर मत आना, अंदर ही ठीक है। चौथी तस्वीर देखिए, मेरे पापा पियक्कड़ बन गए हैं, अच्छा हुआ मनीष को जेल में डाल दिया। तो एक तरफ राजनीति है, दूसरी तरफ बच्चों का इस्तेमाल है, क्या चल रहा है दिल्ली में, ये सोचने वाली बात है। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी तरह के अपडेट जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़।